इसी तरीके से तैयारी कर रखी है। सुरक्षा बलों की अपनी तैयारी है, मददगारों तक एक एक करके पहुंचना। अजय आप रहिए, एक और बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का दौरा खास रहा और इस दौरे को लेकर अपडेट है। आर्मी चीफ ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है, बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बाकायदा तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के DGP और LG मनोज सिन्हा भी इस दौरान इस मीटिंग का हिस्सा रहे, मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के DGP और LG मनोज सिन्हा के साथ मिलकर सेना प्रमुख के जरिए बात की गई है मौजूदा स्थिति को लेकर और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि लगातार आतंकियों के जरिए रह रहकर साजिशें अंजाम देने की कोशिश हो रही हैं। हालांकि आतंकी एक एक करके ढेर भी हो रहे हैं, मददगार भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में कोशिश यही है सेना के जवानों की, पुलिस की साझा ऑपरेशंस में, कि आतंक का जड़ से सफाया हो और जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति वापस से कायम की जा सके। अजय, सेना प्रमुख का दौरा, जम्मू कश्मीर के DGP LG मनोज सिन्हा का साथ में मौजूद रहना, अधिकारियों के साथ बातचीत होना, पिछले ही दिनों खबर ये भी सामने आई थी कि LG की ताकतों को, पावर को बढ़ा दिया गया है जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ये सब बातें, ये मीटिंग्स का दौर, अधिकारियों की मौजूदगी, क्या इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, बिल्कुल, कल की जो मैराथन बैठक हुई है उसके बाद, बैठकों के बाद इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक्शन होने वाला है। और आपको बता दूं कि कल 11 बजे पहली बैठक हुई थी जिसमें उत्तरी सेना प्रमुख जो है और DOC 16 को, DOC 9 को, DGP जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और CRPF के आला अधिकारी जो है वो शामिल हुए। उसके बाद 3 बजे दूसरी बैठक हुई जिसमें आर्मी चीफ जो है उन्होंने DGP जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सेनाओं सुरक्षा बलों के जो DGP हैं, मुखिया हैं, उनके साथ बैठक की थी। इंटेलिजेंस विंग के जो DGP चीफ हैं उनको शामिल किया था और उसमें चर्चा की गई कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकी गतिविधियों को रोकना है और यहाँ पर जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया करना है। और उसके बाद तीसरी अहम बैठक जो हुई वो LG मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ के साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे सेना या पुलिस और सुरक्षा बलों के, उनके बीच में बैठक हुई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो राज्य यूनियन टेरिटरी का प्रशासन है उनके दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और जो काम होना है, जो एक्शन होना है, वो दोनों जो प्रशासन है, केंद्र प्रशासन और जो LG प्रशासन है, उनकी जानकारी में हो, उनकी उनके पूरे सहमति से जो है ये एक्शन होने वाला है। और आने वाले दिनों में डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, रियासी, रजौरी, पुंछ और बाकी इलाकों में, उधमपुर में छुपे हुए आतंकियों का सफाया होगा, बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला, इस चीज की पूरी सूत्रों ने जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी कि कुछ बड़े सबूत भी हाथ लगे हैं, कुछ बड़े ऐसे लिंक्स हाथ लगे हैं जिससे कि कामयाबी आने वाले वक्त में होगी और जो साजिशें एक के बाद एक हो रही हैं। अजय, चूंकि पाकिस्तान रह रहकर इस तरह की साजिशों में सामने आता रहा और हम लगातार कहते रहे कि सीमा पार से ये साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे कई कैंप्स हैं जहां आतंकी ट्रेंड होते हैं और 35 से 40 जो आतंकी हैं वो अभी यहाँ जम्मू रीजन में अलग अलग जगह सक्रिय हैं। पिछले ही दिनों ये खबर आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, लेकिन अब जब चीन भी खुलकर सामने आ गया है, यानी कि सबूतों के साथ जब चीन बेपर्दा हो गया है, इसके पीछे भी कोई खास वजह आपको नजर आ रही है क्या? चीन पाकिस्तान साथ में तो है, एक दूसरे के सपोर्ट में भी रहते हैं, लेकिन चीन बिना किसी स्वार्थ के किसी का सपोर्ट करता नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। चीन का अपना कोई यहाँ पर हित है क्या? देखिए, आपको याद है कि जम्मू कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ लगता है, गिलगित बाल्टिस्तान हो या आप UK का इलाका हो, वहां पर लंबे समय से चीन जो है पाकिस्तान के जरिए बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वहां पर आपको याद होगा कि जो वहां पर चीन ने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट इस तरह की है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स की है, चाहे वो वहां पर सड़क के नेटवर्क की है, वो इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत कई बार आपत्ति जता चुका है क्योंकि वो इलाका वो चीन का नहीं है, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के सामने टिक नहीं सकता, धराशायी हो जाएगा, और इसलिए चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है। और चीन को भी अब पता है क्योंकि हजारों अरबों रुपए बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट वहां पे है, वो इन्वेस्टमेंट उसने इलीगल तरीके से की है, गलत की है, और उसको अगर बचाना है तो चीन का पाकिस्तान का साथ देना होगा। और इसीलिए चीन की इंसर्शन की नीति तो शुरू से है, चीन लगातार अपने इलाकों को छोड़कर बाकी आसपास के इलाकों में घुसपैठ के प्रयास पहले भी करता है, चाहे वो अरुणाचल में था, चाहे वो LAC के इलाके में, लद्दाख में था। तो ऐसे में POK में भी चीन अपनी पैठ जमाने की प्रयास कर रहा था, और उसी चीज को लेकर अगर भारत
साफ कर रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो वापस लौटेगा। इसमें पाकिस्तान को तो परेशानी है ही, मगर चीन को भी बड़ी परेशानी है। और इसी वजह से आप देखें तो चीन जो है वो लगातार हथियारों की सप्लाई हो, ड्रोन्स हो, एमनीशन हो, टेक्नोलॉजी हो, इसकी जो है वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा है। और वही टेक्नोलॉजी, वही हथियार जो है वो आतंकियों के पास पहुंचते हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि अब पाकिस्तान अपने कमांडोज को यहाँ भेजने लगा है, चीन के जो वहाँ सैनिक हैं उनको वहाँ पे पीओके में भेजा गया है। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जो है वो मिलकर भारत के खिलाफ इस आतंकी युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर वो इंकर्शन करते हैं तो दुनिया भर में इस चीज की जानकारी जब भारत उठाता है इस मुद्दे को, क्योंकि वहां पर बॉर्डर पर तो उनकी अटेम्प्ट फॉइल होती ही है, मगर दुनिया के पटल पर भी इसको रखता है। वहीं अगर पाकिस्तान भी अगर सीज फायर वायलेशन करता था तो दुनिया को पता चलता था कि क्या पाकिस्तान कर रहा है। तो अब इसीलिए उन्होंने आतंकवाद के सहारे को लिया जो पाकिस्तान 30 सालों से ज्यादा वक्त से कर रहा है। अब चीन भी उसका साथ देने लगा है ताकि इसी आतंकवाद के जरिए वो कुछ कर पाए, मगर जो भी करने के प्रयास करें भारतीय सुरक्षा बल उसे कामयाब नहीं होने देगी। और सरकार तत्पर है, वो कई बार साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहे वो वहाँ कोई भी आकर बैठे वो भारत का हिस्सा है, वो वापिस लौटेगा ही लौटेगा। बिल्कुल ठीक बात है, कभी पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर साजिशें होती हैं, अंडरग्राउंड एक सुरंग खोद दी जाती है, खेत के इलाके को चुना जाता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर खबर सामने आती है कि पीओके के बेहद करीब है वो सैन्य अड्डा जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर चीन ने तैयार कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में उसका खुलासा भी हुआ है, लेकिन चीन मानने से इनकार कर देता है। रह रहकर साजिशें दोनों ही देशों की तरफ से हो रही है। और जिस बात का जिक्र आपने अजय अभी किया कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जब बीजेपी के बड़े चेहरों के जरिए कहा गया, इनफैक्ट 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर दोबारा हम सत्ता में आते हैं तो पाकिस्तान के कब्जे वाला ये जो कश्मीर है, पीओके है, ये भारत में हम विलय कर लेंगे क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है, क्या इसकी भी बौखलाहट है कि पाकिस्तान ने चीन से रिक्वेस्ट की हो या फिर चीन इसलिए भी ज्यादा यहाँ पर साजिशें करता हुआ नजर आ रहा हो? तो पाकिस्तान जो है पहले लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को दुनिया भर में जो है वो बदनाम करने के प्रयास करता था कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। मगर आप देखिए तो पिछले कुछ सालों में जब यहाँ पर अलगाववादियों पर कार्रवाइयां हुई, पत्थरबाज बंद हो गए, जो टेरर फंडिंग पाकिस्तान करता था, स्टोन पेल्टिंग के लिए पैसा युवाओं को देता था, वो जब सारी चीजें बंद हो गई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर, दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो उस बदनाम होने लगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक के इस नेटवर्क को चलाने के लिए, अलगाववाद को चलाने के लिए पैसा खर्च करता था। तो वो चीजें जब पाकिस्तान की सामने आई तो पाकिस्तान को लगता है कि आप पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर दुनिया भर में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भारत को बदनाम करता था। और बजाय उसके कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान क्या हालात लोगों के बनाता था, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे, युवाओं की हत्या कर दी जाती थी अगर कोई अपना सर उठाता था या बोलता था, तो वो चीज जब सामने आने लगी दुनिया में तो फिर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं देखा कि अब ये पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से इस पर काबू नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान ने चीन की मदद से आतंकवाद को तेज करने का, फिर से तेज करने का प्रयास किया। सीज फायर की आर्मी, पाकिस्तान ने कहा कि हम युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे और बॉर्डर पर फायरिंग बंद की, मगर उसकी आर्मी आप देखें लगातार ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स और आतंकियों को भेजने का सिलसिला जारी रखा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई बार आतंकी हमलों को अंजाम दिया जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से और पाकिस्तान से अंजाम दिए गए। और वो सारी चीजें जब दुनिया के सामने आई हैं तो पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर इससे बचना है तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हालात खराब करने होंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो अपने लोगों में, पाकिस्तान की सरकार की जो छवि अपने लोगों में खराब हुई है उसको सुधार सकता है और दुनिया भर में जो पाकिस्तान बदनाम हो रहा है उससे बच सकता है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आप चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, रह रहकर साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों में कामयाब किसी भी तरीके से ना हो पाए उसके लिए सेना के जवान 24 घंटे सातों दिन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो हुए, पुलिस हुए, सेना के जवान हुए, साझा ये ऑपरेशंस जारी हैं, एक एक साजिश को नाकाम करने पर नजर है। शुक्रिया अजय आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचे।